हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए तो हम बनाते हैं लाल मसूर की दाल। मैंने ले लिया कुकर, कुकर में ले लिया एक बाउल में एक कटोरी दाल थी मेरी, मैंने सोक कर दिया था इसको, पानी साफ से धुल लिया। धुल के फिर इसमें दाल डाल दिए। दाल के बाद प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हल्दी, बाकी जो मसाले आप टेस्ट के अकॉर्डिंग खा पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। मिर्च, लाल मिर्च, नमक और धनिया आप पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने हरा धनिया डाल दिया इसलिए नहीं डाला है। हींग डाल दी थोड़ी सी चुटकी भर, थोड़ा लगा दिया पानी इसमें। इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे इसको दोस्तों, एक बिसल आने तक इसको पकाना है, बस ज़्यादा नहीं लगानी बिसल। मसूर की दाल, मूंग की दाल जल्दी बन जाती है। आइए तो इधर दाल का हम तड़का लगाते हैं, करते हैं तैयारी इसकी। तेल लगा दिया हमने, आप घी में भी लगा सकते हैं। डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी लहसुन, थोड़ा सा डाल दिया है तोड़ के लाल मिर्च, सूखी आप हरी भी डाल सकते हैं। डाल दी थोड़ी सी चुटकी भर हींग और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना है इसमें, ताकि दाल का कलर बहुत अच्छा आ सके। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से तड़का आप लगा लीजिए सिंपल तरीके से, हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। और दोस्तों बताइए मेरी रेसिपी आपको दाल की कैसी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।